कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा। इंसान आजाद है और इसीलिए मदीना की रियासत में वो अरब जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी, इसी ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर दुनिया की इमामत की उन्होंने चंद सालों के अंदर। तो आज पाकिस्तान जो बना था एक ही नारे पे कि पाकिस्तान का मतलब क्या और मेरा तेरा रिश्ता क्या, यानी कि बलूचिस्तान में भी लोग हैं, सारे कबायली इलाके, पख्तूनख्वा, पंजाब, नॉर्दर्न एरियाज, आजाद कश्मीर, सिंध, सबका एक रिश्ता है। जबान भी उनकी फर्क है लेकिन रिश्ता एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पे बना था पाकिस्तान, इसने हमें इकट्ठा रखना था, इसने हमें आजाद करना था। इसके लिए कायदे आजम ने जदोजहद की थी कि वो ये नहीं चाहते थे कि हम हिंदुओं की गुलामी में रहें, वो एक आजाद मुल्क चाहते थे। तो वो ये भी नहीं चाहते थे कि हिंदुओं की गुलामी से निकल के अमरीकनों की गुलामी करें हम, या ये चोरों की गुलामी करें। इसलिए ये आपकी जो आजादी मार्च है ये बहुत अहम है। ये तहरीके पाकिस्तान के बाद उतनी इस मुल्क के लिए अहम है तहरीके हकीकी आजादी इन चोरों से।